नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में 20 तक बिना उधार के घटाव करना सीखेंगे। आज गैफी और रानी खरगोश खेत पर गाजर इकट्ठा करने जा रहे हैं। गैफी और रानी एक टोकरी लेते हैं और खेत की ओर चलना शुरू करते हैं। खेत में पहुंचकर दोनों ने बहुत सारी गाजर इकट्ठा की। तभी वहां पर सनी आ गई और उसने टोकरी में से कुछ गाजर उठा के कहीं छुपा दी। अरे, किसी ने हमारी टोकरी में से कुछ गाजर उठा ली हैं। हमने कुल 18 गाजर इकट्ठे किए थे, अभी टोकरी में कितने गाजर हैं गैफी? टोकरी में 11 गाजर हैं। सनी खूब जोर जोर से हंसने लगी। दोस्तों, तुम्हारी टोकरी में से गाजर मैंने छुपाए हैं। क्या तुम दोनों बता सकते हो मैंने कितनी गाजर छुपाई है? बच्चों, क्या आप रानी और गैफी की मदद यह जानने में करेंगे कि सनी ने कितनी गाजर छुपाई है? आइए घटाव का उपयोग करके छुपाई हुई गाजर का पता लगाएं। गैफी और रानी ने 18 गाजर काटे, अभी उनके पास 11 गाजर हैं। पहले हम इस तरह से दोनों संख्याओं को खड़े घटाव के रूप में लिखेंगे, फिर हम इकाई में लिखी संख्याओं को घटाएंगे। 8 में 1 घटाव हो गए 7, इसे हम यहाँ इकाई के नीचे ऐसे लिखेंगे। अब हम दहाई में लिखी संख्याओं को घटाएंगे। यहाँ दहाई में लिखी संख्याएं हैं 1 और 1। 1 में 1 घटाव कितने हुए? बिल्कुल ठीक, 0। आइए इसे यहाँ दहाई के नीचे इस तरह से लिख लें। इस तरह 18 में 11 घटाव हो गए 7। सनी, तुमने 7 गाजर छुपाई। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आप इसे हल करने में मेरी मदद करेंगे? सवाल यह है कि अगर हमारे पास 16 गाजर हैं और रानी ने 6 गाजर खा ली, तो हमारे पास कुल कितनी गाजर बची हैं? उत्तर खोजें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 20 तक बिना उधार के घटाव करना सीखा।